दोस्तों, अगर आप अपनी व्हाट्सएप के ऊपर किसी भी व्यक्ति का स्टेटस को आप म्यूट करना चाह रहे हैं दोस्तों, तो आप कैसे करेंगे, मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला। दोस्तों सबसे पहले सवाल यही उठता है कि व्हाट्सएप स्टेटस को म्यूट क्यों करें। कई रीजन हो सकते हैं दोस्तों, पर्सनल रीजन भी हो सकता है, या तो दोस्तों उनका स्टेटस आपको पसंद नहीं आता होगा, या तो दोस्तों कोई दुश्मनी भी होगा, या तो दोस्तों उसे आप हेट करते हो। कई रीजन हो सकता है दोस्तों, या तो आपका खुद का प्राइवेसी भी हो सकता है। हर व्यक्ति का हर प्रकार का रीजन होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको रीजन के बारे में नहीं बताने वाला हूँ, मैं सिर्फ आपको मैं समझाने वाला हूँ किस प्रकार से आप किसी भी रीजन की वजह से आप किसी भी व्यक्ति का स्टेटस को आप म्यूट करेंगे। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं काफी सारा स्टेटस है, मैं यहाँ पे सिर्फ बताने के लिए किसी भी व्यक्ति का यहाँ पे स्टेटस ले लूंगा। देख सकते दोस्तों, सबसे टॉप में आपको नजर आता होगा रवि कुमार, इनका स्टेटस को मैं म्यूट करने वाला हूँ। देख सकते दोस्तों, सिंपल से आपको क्या करना है, इनके स्टेटस पे आपको क्लिक करके होल्ड करना है। कॉल करेंगे दोस्तों, आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे म्यूट रवि कुमार स्टेटस अपडेट, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपल से आपको एक नया ऑप्शन आ चुका है यहाँ पे, इस प्रकार के इंटरफेस में यहाँ पे आपको दो ऑप्शन नजर आता होगा, एक कैंसर एक म्यूट। देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख के रहिएगा, देखते जाइएगा, मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ। यहाँ पे सिंपल से आपको म्यूट पर क्लिक करना है। म्यूट पर जैसे मैंने क्लिक किया दोस्तों, यहाँ से हमारा रिसेंटली स्टेटस यहाँ स्कैप हो गया, आपको देख सकते हैं कहीं भी आपको नजर नहीं आता होगा। फिर से मैं आपको दोस्तों दूसरा स्टेटस को म्यूट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कहीं भी नहीं है उनका। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है मामा जियो, सिंपल से मैं इन पे क्लिक करके रखता हूं और सिंपल से आपको देख सकते हैं यहां म्यूट लिखा हुआ है, सिंपल से क्लिक करते हैं, यहां से भी गायब हो गया। यहां पे हमारे व्हाट्सएप स्टेटस में कहीं भी आपको नजर नहीं आने वाला है इनका स्टेटस। इस प्रकार से दोस्तों किसी भी व्यक्ति का अगर आप स्टेटस को म्यूट करना चाहते हैं तो उनका बिना नंबर डिलीट किए कॉन्टेक्ट से आप उनका स्टेटस को यहाँ म्यूट कर देंगे दोस्तों, तो वो जो भी स्टेटस अपना लगाता होगा आपके पास अपीयर नहीं होगा। अब उसका स्टेटस को अगर आप देखना चाहते हैं कभी भविष्य में तो आप देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं सबसे नीचे आ जाइए। नीचे आ जाने के बाद दोस्तों यहां देख सकते हैं पेंसिल के निशान के ऊपर आपको एक ऑप्शन नजर आता है, सिंपल से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां पे देख सकते हैं जिन व्यक्तियों का यहां पे मैंने स्टेटस को म्यूट किया है सबका स्टेटस यहां पे नजर आता होगा। सिंपल से दोस्तों आपको अनम्यूट करना है, देखना है तो सिंपल से आप क्या करें, फिर से क्लिक करें। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहां देख सकते हैं आपको नजर आता होगा कैंसिल और अनम्यूट, सिंपल से आपको अनम्यूट पर क्लिक कर दें। देख सकते हैं यहां से हट गया और यहां सबसे देख सकते हैं दोस्तों टॉप में आ गया। फिर से मैं आपको बता देता हूं, जिस भी व्यक्ति का स्टेटस आपको देखना है डायरेक्ट आपको यहां से क्लिक करके आप देख सकते हैं, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। चलिए मैंने आपको दिखा दिया। या तो दोस्तों अगर अनम्यूट करना है सिंपल से आपको होल्ड करना है, होल्ड करने के बाद यहां पे सिंपल से आप अनम्यूट कर दे। अनम्यूट करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों अगर सिंपल से आपको सिर्फ देखना होगा, देखकर छोड़ देना होगा, अनम्यूट नहीं करना होगा, सिंपल से यहाँ से इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप देख लेंगे यहाँ से स्टेटस उनका और बैक आ जाए। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको स्टेटस बार में नहीं दिखाएगा कि वो स्टेटस क्या क्या चेंज की, लेकिन अगर आपको देखना हो तो यहाँ से आप देख सकते हैं इजी वे में। इस प्रकार से दोस्तों आपने सीख लिया किस प्रकार से किसी भी व्यक्ति का स्टेटस को म्यूट करते हैं अपने व्हाट्सएप में, चाहे रीजन कोई भी हो। मैंने आपको समझा दिया बारीकी से, आप इस प्रकार से कर सकते हैं अपने यूज में। तो चलिए दोस्तों, आपसे फिर से निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पर इसी प्रकार इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।